हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था दिसंबर 2022 के सीटेट के बारे में कि डेट ऑफ सबमिशन क्या है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, एग्ज़ाम कब से कब तक होंगे और उसके सिलेबस के बारे में। आज मैं इस वीडियोस में आपके साथ बिल्कुल सीटेट का डीप सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ, जो सीटेट के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में जो सीटेट का बुलेटिन है उससे मैं आप लोगों को सीटेट के सिलेबस के बारे में बताऊँगी। सीटेट दो पेपर में होता है, पेपर वन 1 to 5 के लिए प्राइमरी स्टेज, पेपर टू 6 to 8 के लिए सेकेंडरी स्टेज या एलिमेंट्री स्टेज उसको कह सकते हैं। पेपर वन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 30 मार्क्स के। अब इसमें प्राइमरी स्कूल चाइल्ड का चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में मैं बताऊँगी आपको, जिससे 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिए हुए हैं। इसका सिलेबस सीटेट का फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, थर्ड पॉइंट इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रेन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, प्याजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी, लैंग्वेज एंड थाट, जेंडर एज अ सोशल कंट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस, एजुकेशनल प्रैक्टिस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एट्सेट्रा, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेलुएशन, परस्पेक्टिव एंड प्रैक्टिस, फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रीडिंगनेस, लेवल्स ऑफ लर्नर्स फॉर इन्हेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट। इतना जो है इसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल स्टेज, ये ए। बी में इसका है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग ए डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड। पॉइंट टू, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट एंड एट्सेट्रा, एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। बी जो है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनसे 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन ए से, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन बी से, टोटल 20 क्वेश्चन हुए, अभी 10 क्वेश्चन और हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी से 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्सट ऑफ लर्निंग्स, चिल्ड्रन एज प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। पॉइंट, कॉग्निशन एंड इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, ये जो सी है लर्निंग एंड पेडागोजी, इससे टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, फिर बी है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनसे 5 क्वेश्चन, एंड 10 क्वेश्चन है लर्निंग एंड पेडागोजी, जिससे 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। अब लैंग्वेज की तरफ आते हैं, लैंग्वेज वन, इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, ए लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, जिसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें क्या है, रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चन ऑन कंप्रीहेंशन, इन्फ्रेंस आएंगे, ग्रामर है एंड वर्बल एबिलिटी है, प्रोज पैसेज में लिटरली, साइंटिफिक, नरेटिव और डिस्कर्सिव, प्रोज पैसेज में कुछ भी होगा, हो सकता है लिटरेरी हो, साइंटिफिक व्यू हो पैसेज में। अब पॉइंट बी, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के,
लैंग्वेज वन दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट उसका कॉम्प्रिहेंशन है, सेकंड उसका पेडागोजी है। अब पेडागोजी के अंदर क्या क्या है सब देखते हैं टॉपिक। पॉइंट वन लर्निंग एंड एक्विजिशन, पॉइंट बी प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, पॉइंट थ्री रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शनल ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज टूल, पॉइंट नंबर फोर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज और फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, पॉइंट नंबर फाइव चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, पॉइंट नंबर सेवन लैंग्वेज स्किल्स, पॉइंट नंबर एट इवेलुएटिंग लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स टेक्स्ट बुक मल्टी मीडिया मटेरियल्स मल्टी लिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम एंड रिमेडियल टीचिंग। इसमें मिला के पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट 50 मार्क्स और लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन 15 मार्क्स, कुल मिला के 30 मार्क्स। लैंग्वेज टू भी 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आएंगे। कम्प्रीहेंशन में है टू अनसीन प्रोज पैसेज डिस्कर्सिव और लिटरेली और नैरेटिव और साइंटिफिक कुछ भी हो सकते हैं। विच क्वेश्चन ऑन कम्प्रीहेंशन पर क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ग्रामर रहेंगे और वर्बल एबिलिटी रहेंगे, ये 15 क्वेश्चंस रहेंगे 15 मार्क्स के। अब बी में देखते हैं पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी 15 क्वेश्चंस रहेंगे 15 मार्क्स के। इसके सब टॉपिक क्या हैं, लर्निंग एंड एक्विजिशन प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, ये भी लैंग्वेज वन की ही तरह है बट फिर भी हम इसको देखते हैं शायद कुछ डिफरेंस हो। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, लैंग्वेज स्किल्स इवेलुएटिंग लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग, नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स टेक्स्ट बुक मल्टीमीडिया मटेरियल्स मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम एंड रिमीडियल टीचिंग। ये हो गया लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू दोनों का सिलेबस। ये लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू में जो 20 लैंग्वेज आपके सीटेट के लिस्ट में दिए हुए हैं उसमें से कोई भी लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू आप चूज़ करते हैं सबका सिलेबस यही रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे, 30 क्वेश्चंस इसमें हैं। फर्स्ट ए का कंटेंट है जिसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं, इससे सब टॉपिक देखते हैं इसमें कंटेंट में। ज्योमेट्री, नेक्स्ट शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट सॉलिड्स अराउंड अस, पॉइंट फोर नंबर्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, नेक्स्ट पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट डिवीजन, नेक्स्ट मेजरमेंट, देन वेट, नेक्स्ट टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी, इससे आपका 15 क्वेश्चंस आएंगे। ये बिल्कुल प्राइमरी लेवल के मैथ्स हैं। इसमें अब बी पार्ट जो है इसमें पेडागोजिकल इश्यूज आएंगे जो 15 क्वेश्चंस के रहेंगे। इसमें सब टॉपिक देखते हैं, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग, चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग, पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेलुएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, नेक्स्ट पॉइंट है इसका एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। ये हो गए 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के पेडागोजिकल इश्यूज हो गए मैथमेटिक्स के। जो भी इसमें जो ये है सब्जेक्ट है उसमें 15 मार्क क्वेश्चंस जो हैं वो सब्जेक्ट से हैं कंटेंट से आ रहे हैं और 15 क्वेश्चंस जो हैं पेडागोजी से आते हैं। अब फाइव देखते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें भी 30 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस कंटेंट से आ रहे हैं एंड 15 क्वेश्चन पेडागोजिकल इशूज से आ रहे हैं। कंटेंट में क्या क्या है, पॉइंट नंबर वन फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स प्लांट्स, ये वन में है।
2 में फूड, 3 शेल्टर, 4 वाटर, 5 ट्रैवल एंड 6 थिंग्स वी मेक एंड डू। बी पार्ट में देखते हैं पेडागोजिकल इशूज, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS, सिग्निफिकेंस ऑफ EVS, इंटीग्रेटेड EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फोर्थ पॉइंट लर्निंग प्रिंसिपल्स। फिफ्थ पॉइंट स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस। सिक्स्थ पॉइंट अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट एक्टिविटीज। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस वर्क, डिस्कशन, CCE, कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेलुएशन होता है CCA का फुल फॉर्म। टीचिंग मटेरियल एड्स एंड प्रॉब्लम्स। ये तो बात हो गई पेपर वन के सिलेबस की। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको पेपर टू की पूरी डिटेल सिलेबस के बारे में बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।